एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़के का नाम रामू था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। रामू के पिता एक किराना दुकान में काम करते थे और माता पिता के साथ मिलकर वह अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। एक बार रामू के गांव में बहुत अच्छे फसलें हो गई। उस समय उसके गांव के लोग सोचने लगे कि इस बार फसल को भगवान का धन्यवाद देना बहुत जरूरी है, इसलिए उन्होंने सोचा कि एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाए जिसमें वे सभी भगवान का आभार प्रकट कर सकें। सभी गांववासी एक स्थान पर इकट्ठे हो गए और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। भगवान के आभार में उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति बहुत मेहनती और ईमानदार होगा उसे 100 रुपये का इनाम मिलेगा। रामू के दिल में खुशी की लहर उठी। वह जानता था कि उसने बहुत कठिनाइयों का सामना किया था और वह धार्मिकता से अपने काम करता था, इसलिए उसको विश्वास था कि उसे यह इनाम मिलेगा। धार्मिक कार्यक्रम के बाद सभी लोगों को 100 रुपये देने के लिए विचारशील व्यक्ति ढूंढने की शुरुआत हुई। सभी गांव वासियों ने बारी बारी से नाम लिए जाने की कोशिश की, लेकिन किसी को 100 रुपये का इनाम नहीं मिला। एक दूसरे को सबके नाम याद रखने में मदद करते हुए वे सभी लापरवाही से यहां तक पहुंच गए कि रामू का नाम छूट गया। सभी लोगों ने कहा, हे भगवान, हमने तो 100 रुपये का इनाम पाने के लिए बड़ी मेहनत की है, परंतु उसे किसी ने नहीं पाया। तभी एक व्यक्ति ने कहा, अरे तुम सभी लोग ध्यान से सुनो, रामू का नाम तो छूट गया है, परंतु उसका नाम कौन है? वे सभी लोग चिंतित हो गए क्योंकि उन्होंने रामू के नाम को भूल गए थे। अब उन्हें उसे पहचानने के लिए कैसे पता चलेगा? वहां एक बुढ़िया बैठी थी जिसे रामू के बड़े पिताजी की याद आई। उसने उन्हें बताया कि